हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोरी टेक चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि वाईफाई का नाम और पासवर्ड कैसे चेंज करना है। दोस्तों कोई सी भी कंपनी का राउटर हो आप पे, उसका नाम और पासवर्ड कैसे चेंज करना मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ। दोस्तों जैसे कि आप टेंडा, नेटगेयर, वीनट और कोई सी भी कंपनी का राउटर हो आपके पास, उसका वाईफाई का पासवर्ड और नाम कैसे चेंज करना है मैं दोस्तों इस वीडियो में बता दूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना एक डिवाइस ले लेना है जिसमें आपका वाईफाई कनेक्ट है, जैसे कि आपके फ़ोन में कनेक्ट है, डेस्कटॉप में कनेक्ट है, चाहे लैपटॉप में कनेक्ट है, उस डिवाइस ले लीजिए। आप उस डिवाइस में पहले आप सबसे पहले चेक करिए आपका वाईफाई कनेक्ट है कि नहीं, कनेक्ट कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद आपको अपने वाईफाई का आईपी एड्रेस डालना है। जैसे आईपी एड्रेस नहीं पता आपको तो उसके राउटर के बैक साइड में लिखा होता है दोस्तों, के पीछे उसका आईपी एड्रेस लिखा होता है दोस्तों 192.168.0.1। और दोस्तों उसका एडमिन और पासवर्ड भी लिखा होता है, जो डिफॉल्ट एडमिन पासवर्ड होता है राउटर का, वो भी लिखा होता है उसके पीछे। चलो दोस्तों मैं आपको पूरी प्रॉपर तरह से वीडियो में बताता हूँ कैसे राउटर का पासवर्ड और वाईफाई नेम कैसे चेंज करें। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर दो। जिनने दोस्तों मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं करी, लाल कलर का बटन आ रहा है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस पे लिखा हुआ है देखो 192.168.0.1, इस पे लिख रखा है इसका आईपी एड्रेस दोस्तों। और मैं अब इसे राउटर का नाम और पासवर्ड कैसे चेंज करना है मैं करके दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे कि मेरा एक डिवाइस में कनेक्ट है फ़ोन में, तो मैं फ़ोन से इसका चेंज करके दिखाऊँगा। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपका एक डिवाइस लेना है जिस डिवाइस में आपका इंटरनेट कनेक्ट है। जैसे कि देखो दोस्तों मेरा कनेक्ट है टेंडा का। अब मैं इसका नाम और पासवर्ड कैसे चेंज करना मैं दिखाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आप क्रोम में जाइए, क्रोम में जाने के बाद वहाँ डालें 192.68.0.1, जो आपके राउटर के पीछे बैक साइड में आईपी एड्रेस लिखी होती है दोस्तों वो डालना होता है। यह करने के बाद यहाँ पे इसका एडमिन पासवर्ड मांग रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे डालना है आपको एडमिन स्मॉल में। देखो दोस्तों ज़्यादातर एडमिन पासवर्ड ना तो एडमिन एडमिन होता है, ना तो एडमिन और पासवर्ड होता है, जो पासवर्ड इसका होता है वो पासवर्ड ही होता है दोस्तों। स्मॉल में डालना है दोस्तों, जैसे कि मैंने स्मॉल में डाल दिया, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों मैंने डाल दिया, अब मैं इसे लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद दोस्तों मुझे जाना होगा वायरलेस सेटिंग में, जहाँ पर इसका नाम और पासवर्ड चेंज करना है, जहाँ पर इसके SSID चेंज करनी है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर टेंडा लिखा रहा है, मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं। देखो जो SSID रखना है मुझे नाम वाईफाई का, यहाँ पर टाइप कर देना है दोस्तों। मैंने डाल दिया यहाँ पे कोरी टैक। उसके बाद मुझे पासवर्ड जो रखना है, यहाँ पे पासवर्ड में याद रखना दोस्तों, जैसे आप डालते हो 8 डिजिट का होना चाहिए कम से कम। और ये देखना है आपको स्मॉल में रख रहे हो तो स्मॉल में ध्यान रखना, कैप्स में रख रहे हो तो कैप्स में ध्यान रखना, स्पेस बिल्कुल नहीं देना। जैसे कि मैं डाल देता हूँ पासवर्ड, जैसे कि दोस्तों मैंने डाल दिया, अब इसे सेव कर देता हूँ। ये सेव होते कैसे डिसकनेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो वाईफाई का साइन हट गया दोस्तों, ये कनेक्ट डिसकनेक्ट हो गया। अब मैं दिखाता हूँ कनेक्ट करके। यहाँ पे जाने के बाद देखो दोस्तों ये आ गया कोरी टैक। अब यहाँ पे जाने के बाद मुझे पासवर्ड डाल देना है। ये देखो दोस्तों ये कनेक्ट हो गया मेरा वाईफाई और नाम भी चेंज हो गया दोस्तों। ये देखो दोस्तों पूरी टेक कनेक्ट हो गया दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।